तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर योगी सरकार के बड़े बयान के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले देने का जो कार्य है वो किया जाता है, लेकिन आप सभी वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करके साथ में शेयर किया करें, क्योंकि मैं हमेशा अपना कार्य करता हूँ, हमेशा आप सभी को ऑथेंटिक जानकारियां देता हूँ। सरकार कितना कार्य करती है वो भी आपको हमारे वीडियोज के माध्यम से पता चल जाता है। जैसा कि आपको याद होगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कल देर शाम को मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको कहा भी था कि सरकार का एक्शन प्लान क्या है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती कब आएगी, कब देखने के लिए मिलेगी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। आज की तारीख में जारी बयान को लेकर उससे आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था लगभग वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से 69,000 के तमाम मुद्दों को लेकर बार बार जानकारी दी जा रही थी, लेकिन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर वो कुछ नहीं बोल रहे थे। बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पे तैयारी की कि आज मंत्री जी से मुलाकात करते हैं और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर सरकार कब तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालेगी और आगे उनकी रणनीति क्या है। तो उनकी तरफ से क्या बताया गया वो आप सभी इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। ये महिला को जगह दी गई। प्राथमिक शिक्षा भर्ती कब आ रही है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 4 साल में 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती की है। आज प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। शिक्षक भर्ती हमेशा छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए आवश्यकता के आधार पर होती है। जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो भर्ती होगी। धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण, ये महिला को जगह दी गई। प्राथमिक शिक्षा भर्ती कब आ रही है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 4 साल में 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती की है। आज प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। शिक्षक भर्ती हमेशा छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए आवश्यकता के आधार पर होती है। जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो भर्ती होगी। धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण। तो जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि सरकार की जो मंशा है अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर वो कहीं न कहीं साफ है कि यूपीटीईटी से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, और यूपीटीईटी अगर दिसंबर में करवाया जाता है तो उसके बाद में ज्यादा संभावना है कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी वो चुनाव से पहले आने की संभावना खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी को लेकर मैंने कल ही आप सभी को जानकारी भी दी थी कि यूपीटीईटी दिसंबर में होने से कितना नुकसान है, क्योंकि जनवरी में उसका परिणाम आएगा, और अगर जनवरी में उसका परिणाम आता है तो फरवरी और मार्च के अंदर चुनाव का माहौल होगा, तो जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन होगा वो फिर इस साल तो आ नहीं पाएगा, जो भी होगा वो अगले साल ही आपको देखने के लिए मिलेगा। हाल ही में जारी बयान के माध्यम से भी आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, इसी वजह से आपको कहा गया था कि यूपीटीईटी अगर अक्टूबर में होता है तो नवंबर या दिसंबर के अंदर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आगमन किया जा सकता है। सरकार ने ही बताया था कि हमारे पास 51,000 से ज्यादा पद खाली हैं, सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा भी लगाया था, लेकिन आज की तारीख में सरकार की तरफ से इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, इससे उम्मीदें ऐसी लग रही हैं कि अभी शासन स्तर पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। आखिर इसमें हिला हवाली क्यों हो रही है, और भी तमाम चीजें जिसको लेकर मैं लगातार आप सभी को बताता रहता हूँ। तो ऐसे में ये अपडेट हो जाती दोस्तों अभी अभी की छोटी सी, जो कि सरकार के बयान के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है। हालांकि मैंने आपको पहले से ही संकेत दिए थे, कल भी आपको जानकारी दी थी कि यूपीटीईटी का डिले होना नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नुकसानदायक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।